हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो सीरीज़ के बारे में। इसमें हमें दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, ओप्पो रेनो 4 एंड 4 प्रो। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को tina.com पर लिस्टेड किया जा चुका है। अगर हम बात करें इनकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर तो वो भी यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर आ चुकी है। सो गाइस, बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स की कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, बात करें इन दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की, तो ओप्पो रेनो 4 के बेस वेरियंट में आपको देखने को मिलेगी 6.4 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले होगी, और इसी के साथ यहाँ पर 2.5D कर्व्ड रहने वाली है। अगर बात करें इसके प्रो वेरिएंट की, तो उसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि साथ में AMOLED होगी और 3.5D कर्व्ड रहने वाली है। इसी के साथ बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G का मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। पहले रूमर्स ये निकल कर आ रहे थे कि इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का कोई चिपसेट देखने को मिल सकता है, लेकिन गाइज अब यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इन दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इनके कैमरा सेटअप को लेकर, तो दोनों स्मार्टफोन्स में बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसके बेस वेरियंट में आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जिसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें इसके प्रो वेरिएंट की, तो उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो इस वेरिएंट में आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जो कि पंच होल रहने वाला है, जो कि 32 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आएगा। इसी के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अगर बात करें इसके प्रो वेरिएंट की, तो उसमें आपको सिंगल पंच होल डिज़ाइन सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि 32 मेगापिक्सल का रहने वाला है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि 65 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर के साथ आएगी। इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 4 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, पिंक, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। गाइस, बात करें इनकी लॉन्च डेट की, तो ये चाइना में आपको जून में देखने को मिलेगा, और उसके कुछ ही दिन बाद आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इनकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की, तो ये 30 से लेकर 35,000 तक लॉन्च हो सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर ये आपको स्मार्टफोन्स अच्छे लगे हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।